चिड़िया। हाँ, आपकी दोस्त चूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चंपक वन में सभी पशु पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। इसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों और पति के साथ रहती थी। टूनी के पति का नाम टूनी था और उसके जुड़वा बेटे गोलू और मोलू थे। चंपक वन में हर साल मेला लगा करता था, पर लॉकडाउन के कारण पिछले दो सालों से वहाँ कोई मेला नहीं लगा था। इस बार जब पुनः मेला लगने की खबर आई तो सभी लोग खुश हो गए। गोलू चिड़ा खुश होकर बोला, मैं क्या इस बार सच में मेला लगेगा? हाँ हाँ, इस बार नवरात्रों में मेला जरूर लगेगा, फिर दशहरे पर रावण दहन के बाद ही मेला समाप्त होगा। अरे वाह, हमने आज तक रावण दहन नहीं देखा, इस बार तो मैं भी मेला जाऊंगा। अरे तुम दोनों जब से समझदार हुए हो तब से यहाँ मेला लगा ही नहीं, पर कोई बात नहीं, पिछले दो सालों की कसर इस बार पूरी कर लेना और खूब मेला घूम लेना। टूनी अपने बच्चों को लेकर मेले में गई तो वो दोनों बहुत खुश थे। टूनी चिड़िया प्यार से कहती है, गोलू मोलू मैं जरा चूड़ियाँ खरीद रही हूँ, तुम दोनों कहीं जाना मत वरना मेले की भीड़ में खो जाओगे, मेरे पास ही रहना। ठीक है मम्मी। गोलू मोलू वहीं खड़े मेले का नजारा ले रहे थे, तभी उन्हें मेले से कुछ दूर एकांत में खड़ी बूढ़ी गुब्बारे वाली आंटी दिखाई दी, जिनके पास बहुत ही रंग बिरंगे गुब्बारे थे। गोलू मोलू के पास पापा के लिए पैसे तो थे ही, वो दोनों तुरंत उस बुढ़िया के पास पहुँचे। अरे वाह, कितने सुंदर गुब्बारे हैं, कितने का है? तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे को तो मैं मुफ्त में गुब्बारा दे दूंगी, बोलो कितने गुब्बारे चाहिए? गोलू भैया चलो हमें मम्मी के पास चलना चाहिए, मुझे तो इन आंटी से डर लग रहा है। अरे तू तो है ही डरपोक, आंटी आप मुझे दो गुब्बारे दे दो। गुब्बारे वाली ने उसे दो गुब्बारे दिए, ये लो इस गुब्बारे की गैस कभी कम नहीं होती, ये सदा ही फूला रहेगा। भैया मुझे तो ये गुब्बारे ठीक नहीं लग रहे हैं, भला ऐसा कौन सा गुब्बारा होता है जिसमें हमेशा गैस भरी रहे? तुझे तो जरा भी अकल नहीं है, आजकल की आधुनिक दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, है ना गुब्बारे वाली आंटी? गोलू ने गुब्बारे वाले की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और गुब्बारे वाली वहाँ से जा चुकी थी। गोलू और मोलू अपनी माँ के पास आ गए, फिर बाकी का मेला घूमकर वो लोग शाम को घर पहुँचे तो गोलू ने अपने पापा को अपने रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाए। पापा ये देखो, ये गुब्बारे कभी नहीं पिचकेंगे क्योंकि इसमें से गैस कभी खत्म ही नहीं होगी। अरे वो बुढ़िया तुम्हें बुद्धू बना रही थी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? पापा वो बुढ़िया तो बहुत डरावनी थी। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके चेहरे और शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती है, वो डरावने नहीं होते। एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे तब क्या तुम हमसे भी डरोगे? चलो सब लोग अब खाना खाकर सो जाओ। रात में सब लोग मेले के बारे में ही बातें करते हुए सो गए। अगली सुबह गोलू मोलू की नींद देर से खुली, दोनों तुरंत किचन में माँ के पास गए पर किचन खाली था, माँ और पिताजी दोनों ही घर पर नहीं थे। ये क्या, मम्मी पापा कहाँ गए, अब हम क्या करेंगे? अरे मस्ती करेंगे और क्या करेंगे, अरे मम्मी पापा घर पर नहीं है तो जितना चाहो वीडियो गेम खेलो, मस्ती करो, आइसक्रीम खाओ, कोई नहीं रोकेगा। गोलू और मोलू दोनों बाहर गए तो बाहर सभी बच्चे खुशी खुशी इधर उधर चहचहाते हुए उड़ रहे थे। अरे मिठी क्या हुआ, तुम सब इतने खुश क्यों हो? मिठी तोती हंसते हुए बोली, मेरी माँ और पापा दोनों घर पर नहीं है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैंने दो आइसक्रीम खाई और खूब वीडियो गेम खेला, मजा आ गया, कोई मुझे नहीं डांटेगा। अरे मेरे भी मम्मी पापा घर पर नहीं है, पता नहीं हम सबके मम्मी पापा कहाँ गायब हो गए, अब हम आजाद हैं। मुझे तो मम्मी की याद आ रही है, मुझे भूख लगी है। ठीक है चल मैं देखता हूँ रसोई में कुछ हो तो दे देता हूँ तुझे खाने के लिए। गोलू मोलू ने किचन में रखा रात का खाना खाया और खेलने चले गए। सुबह से शाम और शाम से रात होने को आई पर किसी के मम्मी डैडी नहीं आए, अब उन लोगों को डर लगने लगा। गोलू से चिपक कर मोलू तो सो गया पर गोलू को नींद नहीं आ रही थी। सुबह तक जो बच्चे खुश थे वो अब रात के अकेलेपन से परेशान हो गए थे, उन्हें उम्मीद थी कि अगली सुबह तक उनके माता पिता लौट ही आएंगे, पर अगली सुबह भी उनके माता पिता का कोई अता पता नहीं था। मोलू
तो जोर जोर से रोने लगा। मुझे तो मम्मी चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है मम्मी। ठीक है रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। बोलू रसोई में खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, तभी मोलू की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ कर बेडरूम में गया। भैया मम्मी और पापा तो गुब्बारे में बंद है। गोलू ने ध्यान से देखा तो मेले से जो गुब्बारे दिए थे उनमें से एक में माँ और एक में पिताजी कैद थे। वो अंदर से मदद के लिए हाथ हिला रहे थे पर उनकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। गोलू ने पास रखी सुई उठाकर उसमें पहुँची पर गुब्बारे नहीं फटे। जरूर ये गुब्बारे जादुई हैं। चलो दूसरे बच्चों से पूछते हैं कि क्या उनके माता पिता भी गुब्बारे में कैद हैं। वो दोनों एक एक करके अपने सभी दोस्तों के घर गए तो पाया कि उनके पास वैसे ही रंग बिरंगे गुब्बारे थे और उनके माता पिता भी गुब्बारे में कैद थे। सब बच्चों ने मीटिंग बुलाई। वो बूढ़ी आंटी तो देखने में भी बहुत डरावनी थी और मुझे इशारे से अपने पास बुला रही थी। उसके सुंदर गुब्बारे के लालच में मैं उसके पास चला गया। मैं भी उसके सुंदर गुब्बारे के लालच में उसके पास गई और उसने मुझे चार गुब्बारे फ्री में दिए। मेरे तो नाना दादी भी गुब्बारे में बंद हैं। ओ, इसका तो यही अर्थ है कि हमें अपने मम्मी पापा वापस चाहिए तो उसी गुब्बारे वाली बुढ़िया को ढूंढना होगा। इसके बाद सभी बच्चे मेले में उस बुढ़िया गुब्बारे वाली चुड़ैल को ढूंढने लगे। उन्हें वो चुड़ैल मेले से कुछ दूर एकांत में खड़ी दिखाई दी तो वो सब उसके पास पहुँचे। चुड़ैल गुब्बारे बेचने वाली बुढ़िया, तुमने हमारे माता पिता को गुब्बारे में क्यों कैद कर दिया? उन्हें आजाद कर दो। गुब्बारे वाली बुढ़िया मुस्कुराई और बारी बारी उनकी ओर देखा। अरे तुम सबको तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे माता पिता चले गए, अब तुम सब आजाद हो। यही तो चाहिए तुम बच्चों को कि माता पिता गायब हो जाए। नहीं हम आजाद नहीं है, हम परेशान है। हमें अपने माता पिता दादा दादी वापस दो, हमें तुम्हारे बेकार गुब्बारे नहीं चाहिए। अब तुम्हारे माता पिता कभी नहीं आएंगे। गुस्से से बुढ़िया को मारने दौड़ी तो वो गायब हो गई। सभी बच्चे रोते रोते घर वापस आ गए। अब हम क्या करें? मम्मी पापा इसीलिए कैद हुए क्योंकि हम बच्चे चाहते थे कि वो हम पर रोक टोक ना करे। हमें अब अनुशासन से अपने काम करने होंगे और भगवान जी से प्रार्थना करनी होगी कि हमारे मम्मी पापा वापस आ जाए। अब किसी के पास कोई उपाय तो था नहीं, इसीलिए सभी ने मोलू के उपाय को अपनाने का निर्णय लिया। अगले दिन से बच्चे हमेशा की तरह समय पर उठते, मिलजुल कर काम करते और तैयार होकर भगवान से प्रार्थना करते। इसी तरह दो तीन दिन बीत गए तो एक दिन अचानक वही चुड़ैल उनके घर में प्रकट हुई। ये क्या, तुम सब इतने अनुशासन के साथ क्यों रह रहे हो? इससे मेरे गुब्बारे का जादू टूट रहा है। ठीक है, लगता है अब मुझे किसी दूसरे जंगल में जाकर अपना जादू चलाना पड़ेगा। मारकर वो चुड़ैल अचानक गायब हो गई। तभी उन्हें गुब्बारे की फूटने की आवाजें चारों ओर से सुनाई देने लगी। सभी गुब्बारे अपने आप फूट रहे थे और उनमें से उनके मम्मी पापा बाहर आ गए थे। शाबाश बच्चों, तुमने हमें बचा लिया, वरना उस गुब्बारे में मैं हमेशा के लिए फंस जाती। मम्मी ये मोलू का आइडिया था, गुब्बारे वाली बुढ़िया अनुशासन से कमजोर पड़ जाती है इसीलिए वो हमारा जंगल छोड़कर चली गई। हाँ बच्चों, हमें गुब्बारे में सब कुछ सुनाई और दिखाई देता था। हम सब तुम्हारे बहुत आभारी हैं, खास तौर से मोलू के जिसने हमेशा सही सलाह दी, पर तुम लोगों ने उसे छोटा समझकर उसकी बात नहीं सुनी। इस तरह गुब्बारे बेचने वाली चुड़ैल का अंत हुआ।